पिछोर में नवरात्रि के मौके पर मां विजयासन मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। मां विजयासन मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का उल्लेख इतिहास में भी है। ऐसा भक्तों द्वारा बताया गया है कि नवरात्रि के मौके पर दूर दराज से भक्त मां विजयासन माता मंदिर पूजा अर्चना करने आते हैं। बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से विजयासन माता मंदिर पर जो भी मनोकामना लेकर आता है, मां उस भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। विजयासन माता मंदिर पर पाटा पूजन का बड़ा महत्व है। शादी के बाद वर वधु मां विजयासन मंदिर पर पाटा पूजन कराने आते हैं। नवरात्रि के दिनों दूर दराज से भक्त मां विजयासन के दर्शन करने आते हैं और मां विजयासन माता भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से नवरात्रि के मौके पर पुलिस बल तैनात रहते हैं। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? राकेश भारद्वाज। सर भारद्वाज जी, आप विजयासन माता मंदिर के दर्शन करने आए हैं, कितने सालों से आप आ रहे हैं और यहाँ इस स्थान की क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग आपको बताते हैं कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं तो हमेशा दर्शन करने के लिए यहाँ पर आता हूँ और नवरात्र के दिनों में तो यहाँ पर बड़ा मेला सा लगा रहता है और यहाँ की बच्चियाँ जिनकी शादी हो जाती है और जब वो बाहर जाती हैं तो वो भी पाटा भरने के लिए आती हैं और लड़कों की जो शादी होती है नववधुएं पर यहाँ पर आती हैं, वो भी पाटा भरती हैं। नौ दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और जो भक्त जिस भावना से देवी की जिस आराधना जिस शक्ति से करता है उसको माँ उसी तरह का आशीर्वाद देती हैं, उसी तरह का फल देती हैं। कितना प्राचीन है ये मंदिर? ये मध्य प्रदेश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और ऐसा कहा जाता है कि इसका अपना एक इतिहास है और एक ऐसा विलक्षण इतिहास है जिसके बारे में पुराणों तक में इस मंदिर का वर्णन आया है।